नमस्कार मित्रों, मैं पवन शर्मा, अनुदेशक फिटर माँ गुलजारी भरत आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पीछे की वीडियो में आपको जो है माइक्रोमीटर के बारे में बताया गया था, जिसके अंतर्गत आपका माइक्रोमीटर का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल और उसके पार्ट्स, और उससे रीडिंग कैसे ली जाती है, जीरो एरर क्या होती है, और माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, ये सारा कुछ आपको बता दिया गया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पीछे की वीडियो देख ले, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। मित्रों, आज मैं आपको वर्नियर माइक्रोमीटर के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि माइक्रोमीटर जो है मैट्रिक सिस्टम में आपका जो है 1/100, 1/100वें, 1 के 100वें भाग तक शुद्ध माप को देता है। किसमें? मैट्रिक प्रणाली में। और ब्रिटिश सिस्टम में 1 के 1000वें भाग तक आपका क्या करता है, जो है प्रिसाइज मेजरमेंट या फिर सूक्ष्म मापों को ले सकता है। 100वें का मतलब है 0.01 मिलीमीटर, और इसका जो तात्पर्य है 0.001 इंच है, ठीक है, मतलब 0.001 इंच तक छोटी माप को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम वाले माइक्रोमीटर से ले सकते हैं, और 0.01 मिलीमीटर तक की छोटी माप को मैट्रिक सिस्टम वाले माइक्रोमीटर से ले सकते हैं। अगर हमें इससे भी छोटी माप लेनी हो, ठीक है, अगर इससे भी छोटी माप लेनी हो तो वहाँ पर हम लोग बर्नियर माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बर्नियर माइक्रोमीटर जो है ठीक आपके माइक्रोमीटर की ही तरह होता है। बर्नियर माइक्रोमीटर क्या होता है, एकदम ठीक बिल्कुल जो है माइक्रोमीटर की ही तरह होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। ये जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लीव या बैरल। तो स्लीव या बैरल पे एक स्केल बनी होती है, जिसको बोलते हैं मेन स्केल, और मेन स्केल को दो भागों में डिवाइड करने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं जीरो लाइन या फिर डेटम लाइन। डेटम लाइन के ऊपर मेन डिवीजन बने होते हैं मेन स्केल के, डेटम लाइन के नीचे सब डिवीजन बने होते हैं मेन स्केल के। लेकिन बर्नियर माइक्रोमीटर के केस में एक और स्केल बनी होती है, माइक्रोमीटर में एक और स्केल बनी होती है, जिसको बोलते हैं बर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं? बर्नियर स्केल। यहाँ पे आपकी जो है थिम्बल स्केल बनी रहती है, थिम्बल पे थिम्बल स्केल होती है, स्लीव या बैरल पे मेन स्केल, और बर्नियर स्केल बनी होती है किसकी केस में? बर्नियर माइक्रोमीटर के केस में। अब देखिए बर्नियर माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बर्नियर माइक्रोमीटर जो है फ्रेंड्स, दो सिद्धांतों पे कार्य करता है। एक तो पहला जो नंबर इसका जो प्रिंसिपल होता है नट और बोल्ट, बर्नियर माइक्रोमीटर का पहला जो प्रिंसिपल होता है उसको बोला जाता है नट बोल्ट, और दूसरा जो प्रिंसिपल होता है इसको बोला जाता है बर्नियर प्रिंसिपल या फिर बर्नियर का सिद्धांत। मतलब कि ये फ्रेंड्स जो बर्नियर माइक्रोमीटर है नट बोल्ट के सिद्धांत पर भी कार्य करता है और बर्नियर के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बर्नियर माइक्रोमीटर वर्क्स ऑन टू प्रिंसिपल, नेमली नट बोल्ट प्रिंसिपल एंड बर्नियर प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आपका जो है बर्नियर माइक्रोमीटर का सिद्धांत हो गया, पहला नंबर नट बोल्ट, दूसरा नंबर क्या हो गया? बर्नियर का सिद्धांत। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आप लोगों को बर्नियर जब पढ़ाया गया था तो उसमें बर्नियर का सिद्धांत बताया गया था, और माइक्रोमीटर के स्टार्टिंग में नट बोल्ट का क्या सिद्धांत होता है ये बता दिया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स,
बर्नियर माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं? बर्नियर माइक्रोमीटर जो है इसके दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है इसको बोलते हैं मैट्रिक बर्नियर माइक्रोमीटर, और दूसरा जो टाइप होता है इसको बोला जाता है ब्रिटिश बर्नियर माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड्स जो है आपका बर्नियर माइक्रोमीटर दो टाइप का हो गया, एक मैट्रिक बर्नियर माइक्रोमीटर, दूसरा जो है ब्रिटिश बर्नियर माइक्रोमीटर। ये तो चीज़ आपको बता दी गई कि बर्नियर माइक्रोमीटर होता कैसा है। बर्नियर माइक्रोमीटर क्या होता है, इसकी स्लीव पे एक और स्केल बनी होती है जिसको हम लोग बर्नियर स्केल कहते हैं। स्केल में कुल 10 खाने होते हैं इन दोनों ही केस में, 10 डिवीजन्स होते हैं, 10 डिवीजन्स इन दोनों ही केस में 10 डिवीजन्स होते हैं बर्नियर माइक्रोमीटर में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका लीस्ट काउंट निकाल लेंगे, ठीक है। लीस्ट काउंट जब निकल जाएगा तो हमारा काम क्या होगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि थिम्बल के एक खाने का नाम तो हम लोग एक खाने का मान जानते हैं, मैट्रिक में भी जानते हैं, ब्रिटिश में भी जानते हैं। बस बर्नियर स्केल के एक खाने का मान निकाल के हम लोग क्या करना है, थिम्बल के एक खाने में से घटा देंगे तो इस बर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकल जाएगा। क्यों घटाएंगे, क्योंकि पहला सिद्धांत से तो इसका लिस्ट काउंट निकलेगा, लेकिन सेकेंड प्रिंसिपल से हम लोग क्या करेंगे, ये बर्नियर स्केल का जो है लिस्ट काउंट हम लोग निकाल देंगे। तो बर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, थिम्बल स्केल माइनस के बर्नियर स्केल, ठीक है। थिम्बल स्केल के एक खाने का मान और बर्नियर स्केल के एक खाने का मान निकाल के हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो बर्नियर माइक्रोमीटर का जो है लिस्ट काउंट निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक सिस्टम में निकालते हैं, इन मैट्रिक सिस्टम, देखिए बताया गया है अभी आपको कि चाहे बर्नियर माइक्रोमीटर हो चाहे ब्रिटिश बर्नियर माइक्रोमीटर हो, दोनों में ही थिम्बल स्लीव या बैरल पे 10 डिवीजन बने होते हैं बर्नियर स्केल के। अब देखिए कैसे निकालते हैं, जो बर्नियर स्केल का 10 डिवीजन होता है थिम्बल स्केल के 9 डिवीजन्स के बराबर होता है। तो यहाँ लिखिए बर्नियर स्केल और यहाँ पे लिखिएगा थिम्बल स्केल, इसका 10 डिवीजन इसके 9 डिवीजन्स के बराबर है। आपको बताया गया था मैट्रिक प्रणाली में इसके 1 डिवीजन की वैल्यू जो होती है 1/100 होती है, ठीक है, या फिर 0.01 होती है, जो भी आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ 1/100, ठीक है, ये मिलीमीटर, यानी कि 10 डिवीजन की जो वैल्यू है 9/100 मिलीमीटर हो गया। तो 1 डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/1000 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 डिवीजन की वैल्यू किसकी, बर्नियर स्केल की। अब इसका लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाएगा, लीस्ट काउंट का फार्मूला बताया गया है थिम्बल स्केल माइनस के बर्नियर स्केल। तो थिम्बल स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू क्या है, 1/100, और बर्नियर स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू क्या है, 9/1000, ठीक है। यहाँ पे 100 है, यहाँ 1000 है, अगर आपका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे 1000 हो जाएगा, औंस और हर में 10 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, हर बराबर है तो अंश को घटा देंगे, 1/1000 यानी कि 0.001 मिलीमीटर। तो जो हमारा मैट्रिक बर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.001 मिलीमीटर होगा या 1/1000 मिलीमीटर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैट्रिक बर्नियर माइक्रोमीटर 1/1000वें हिस्से तक छोटी माप को ले सकता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यही है कि मैट्रिक बर्नियर माइक्रोमीटर
एक के हजारवें हिस्से तक छोटी मापों को या फिर सूक्ष्म मापों को ले सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम लोग देखेंगे ब्रिटिश माइक्रोमीटर में। इन दोनों को मैं बता दूंगा लिस्ट काउंट कैसे निकलता है, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि इससे रीडिंग कैसे ली जाती है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं ब्रिटिश सिस्टम में। इसको मैं इरेज करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा नंबर है ब्रिटिश बर्नियर माइक्रोमीटर, ब्रिटिश ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर। देखिए ब्रिटिश बर्नियर माइक्रोमीटर में भी क्या होता है, केवल मेन स्केल बदल जाएगी, थिम्बल स्केल बन जाएगी। थिम्बल स्केल में 25 खाने रहेंगे और मेन स्केल जो है इंच में रहेगी, और वन डिवीजन की जो वैल्यू है 1/40 इंच होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि इसका भी यहाँ पे लिखेंगे वर्नियर स्केल, फिर यहाँ पे लिखेंगे थिम्बल स्केल। वर्नियर का जो 10 खाना होगा इसके 9 डिवीजन के बराबर होता है, लेकिन थिम्बल का 1 डिवीजन जो होता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर के केस में वो क्या होता है, 1/1000 इंच होता है। ठीक है, तो 10 डिवीजन्स बराबर हो जाएंगे 9/1000 इंच के, तो एक डिवीजन्स बराबर होगा 9/10000 इंच के। ठीक है, 9/10000 इंच के बराबर हो जाएगा। अब इसका लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाएगा, बर्नियर प्रिंसिपल से इसका लिस्ट काउंट निकलेगा थिम्बल स्केल माइनस के बर्नियर स्केल। थिम्बल स्केल क्या है, सॉरी, थिम्बल स्केल जो है 1/1000 होती है, और जो वर्नियर स्केल है अभी निकाला गया है 9/10000। यहाँ पे ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, तो 10/10000 माइनस के 9/10000 या फिर 1/10000, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इतना इंच आ जाएगा। मतलब कि जो ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर होता है वो 1/10000 हिस्से तक की छोटी माप या फिर सूक्ष्म माप को ले सकता है। ठीक है, अब देखिए इनसे क्या होता है, रीडिंग कैसे ली जाती है। तो जैसे इससे ली जाएगी वैसे ठीक वैसे इससे भी ली जाएगी। मैं एक स्केल बना देता हूँ और उसमें आपको बता दूंगा। तो देखिए हमारा जो है स्केल बन गया है, ये मेन स्केल है, थिम्बल स्केल है, और इधर वर्नियर स्केल है। मान लीजिए कि इसका जो तीसरा खाना है किसी खाने से जो है थिम्बल स्केल के किसी खाने से जो है मैच कर रहा है। तो देखिए रीडिंग कैसे निकाली जाएगी, सबसे पहले मेन डिवीजन का निकालेंगे, ठीक है, फिर सब डिवीजन का निकालेंगे, फिर आपका जो है थिम्बल डिवीजन निकलेगा, और फिर आपका जो है वर्नियर डिवीजन जो है निकलेगा। तो निकालिए मेन स्केल का, तो यहाँ पे देख रहे हैं 5, 10, ठीक है, 11वां खाना दिख रहा है, तो आपका जो है मेन डिवीजन जो हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा सब डिवीजन में। देखिए केवल एक ही खाना दिख रहा है, अगर नहीं दिखता तो 0, अगर दिख रहा है तो 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे थिम्बल डिवीजन में देखिए कि 30वां खाना मैच कर रहा है, तो 30 × थिम्बल के एक खाने का मान आपको पता है 0.1 होता है, 0.01 हो जाएगा। तो ये आपका 0.3 हो जाएगा। फिर आपका बर्नियर डिवीजन देखिए तीसरा खाना मैच कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, 3 में इसके लीस्ट काउंट से गुणा कर देंगे, आपको बताया गया था कि 0.001 मिलीमीटर होता है, तो ये आपका जो हो जाएगा 0.003। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा, फिर ये 0, फिर 8 और 11,
तो जो मैट्रिक बर्नियर माइक्रोमीटर है उसकी रीडिंग हो जाएगी, जो इसके लिए बनी है, 11.803 मिलीमीटर। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे की जानकारी आपको अगली वीडियो में बताई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।